हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या फिर कोई भी पतीला ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 500 ग्राम सरसों। ये सरसों हमने काट के और अच्छे से धो लिया दो तीन बार पानी से। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। 250 ग्राम पालक, ये भी अच्छे से धोया हुआ है। 125 ग्राम बथुआ, 125 ग्राम मूली के पत्ते। बथुआ और मूली के पत्तों को भी हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। गैस ऑन कर देंगे। अब हम इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। और मैं आपको कटोरी के हिसाब से भी इन सब चीजों का रेशियो बता देती हूँ। अगर आप दो कटोरी सरसों लेते हैं तो एक कटोरी पालक लीजिए और आधा कटोरी बथुआ और आधा कटोरी ही मूली के पत्ते लीजिए। बीच बीच में हम ये जो नीचे का साग है उसको ऊपर लाते रहेंगे। और ये अभी देखो, ये सारा साग है ये पानी छोड़ेगा, इसीलिए हमने पानी भी कम डाला है। ये देखिए साग पक चुका है। मैंने इसको लगभग 30 मिनट तक पकाया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पीसने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे मक्के का आटा, पर अभी मैं 1 डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसे ब्लेंड करेंगे। अभी ये 1 बड़ा चम्मच मक्के का आटा और डालेंगे और फिर से इसे ब्लेंड करेंगे। तो मक्की का आटा इसमें है ना, बाइंडिंग का काम करता है। ये ब्लेंड हो गया है। अब हम एक और कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। चार बड़े चम्मच। अब हम इसे गरम होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हल्का सा भूनेंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। इसमें डालेंगे अब 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और हम ये जो टमाटर है उनको थोड़ा सा मैश करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ये मैश हो जाए। देखिए टमाटर मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे साग का पेस्ट और हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसे मिक्स करेंगे और ढककर अब इसे 1 मिनट तक हम और पकाएंगे। तो ये तैयार हो गया है सरसों का साग और हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हम इस पे डालेंगे व्हाइट मक्खन और तैयार है हमारा सरसों का साग। आप इसे मक्के की रोटी के साथ खाइए और सर्दियों का मजा लीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।